Assalamualaikum everyone. आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी साबूदाने की खीर। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून साबूदाना। यहाँ पे हम साबूदाने को भिगोएंगे, फिर हम पानी डाल करके रात भर के लिए भिगो देंगे। यहाँ मैंने साबूदाना भिगो के रखा था 4-5 घंटे के लिए। अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ मैंने इसका पानी छान के निकाल दिया है, इसे हम साइड में रखेंगे। फिर यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, ये कुछ पिस्ते लिए हैं, ये बादाम हैं, किशमिश है और काजू है। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया है, उसमें मैं 1 चम्मच देसी घी डालूँगी, जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे थे। 5 to 10 सेकेंड्स के लिए गला रहेंगे। साइड में रखेंगे। यहाँ पर हमने गैस पर पतीली चढ़ाई है, उसमें हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे, फिर जो हमने साबूदाने को छान करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और 5 से 10 सेकेंड के लिए इसे कलारेंगे। इसे बार बार चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि ये साबूदाना इसमें चिपके ना। फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध डालने के बाद में कंटिन्यूसली हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साबूदाने में जब दूध एकदम से पड़ता है तो दूध फट जाता है, इसलिए हम इसे 1 उबाल आने तक की कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। फिर यहाँ पे मेरे दूध में उबाल आ चुका है। अब हमने यहाँ पे ली है ज़ाफ़रान, जिसे हमने दूध में भिगो दिया है। फिर हम अपनी ज़ाफ़रान इसमें ऐड करेंगे और फिर जो हमने मेवे कलार के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर और इसे चलाएंगे। इसे 5 से 10 मिनट तक के और पकाएंगे और सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। यहाँ मेरी खीर पक चुकी है, इसे हम अपने सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और इसकी बढ़िया सी ड्रेसिंग करेंगे। जो हमने अपने मेवे काट के रखे थे उन्हीं कटे हुए मेवे से इसकी ड्रेसिंग करेंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। आप भी इस रेसिपी से अपने घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।